GSM जोन में सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी जो आज की वीडियो है वो WhatsApp के बारे में है। तो बहुत ज़्यादा दोस्तों ने सवाल किया था कि हमें WhatsApp की जो नई पॉलिसी है उसके बारे में बताया जाए। क्या WhatsApp वाकई में हमारी जो वीडियो या तस्वीर हैं वो शेयर कर रहा है या नहीं? तो दोस्तों, अगर आपके जहन में भी ये सवाल है तो फिर मेरी वीडियो को पूरा देखें। मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा कि WhatsApp क्या करने जा रहा है। तो दोस्तों, आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि WhatsApp ने अपनी जो पॉलिसी है वो तब्दील की है, लेकिन वो तब्दील अभी अप्लाई नहीं की। वो 15 फरवरी को अप्लाई होना थी, लेकिन अब वो मई में अप्लाई होगी। तो दोस्तों, तब्दीली है क्या, तो जानिए आज की वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आपको जो पॉलिसी है उसका मैं एक बार आपको दिखा देता हूं कि वो पॉलिसी है क्या। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि WhatsApp खुद कह रहा है, हम आपके ज़ाती पैगामात नहीं देख सकते हैं और ना ही आपकी कॉलें सुन सकते हैं और ना ही Facebook, ना WhatsApp और ना ही Facebook आपके पैगामात को पढ़ सकता है और ना ही आपके दोस्तों कुनबा और दोस्तों के साथ WhatsApp पर आपकी कॉलें सुन सकते हैं। आप जो कुछ भी बांटते हैं, यानी कि आप जो कुछ भी शेयर करते हैं, वो आपके दरमियान रहता है। इसकी वजह ये है कि आपके ज़ाती पैगामात इख्तिताम से आखिर में खुफिया कारी के ज़रिए महफूज हैं। हम इस सिक्योरिटी को कभी कमज़ोर नहीं करेंगे और हम हर चैट को वाज़े तौर पर लेबल लगाते हैं। देखें, WhatsApp खुद कह रहा है, हम ये नहीं जानते कि हर कोई किसी को मैसेज कर रहा है या कॉल कर रहा है, जबकि रवायती तौर पर मोबाइल्स कैरियर्स और ऑपरेटर्स ये मालूमात स्टोर करते हैं। हमें यकीन है कि इन रिकॉर्डों को 2 अरब सार्फिन तक रखना राजदारी और सलामती दोनों के लिए ख़तरा होगा और हम ऐसा नहीं करते। खुफिया तौर पर कोई बात या कॉल या तस्वीर हैं वो कोई भी कंपनी किसी को शेयर नहीं करती। दोस्तों, जो कुछ करते हैं हम खुद करते हैं और हमने WhatsApp को ऐसे बिठा दिया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप ये देख लें कि जो सिग्नल और टेलीग्राम है उसको डाउनलोड करने का इतना रश है कि ये जो ऐप्स हैं ये खुद बैठ गई हैं। इनकी कंपनी भी परेशान हो गई है कि करोड़ों जो लोग हैं अब वो सिग्नल और टेलीग्राम इंस्टॉल कर रहे हैं और WhatsApp से भाग रहे हैं। तो WhatsApp कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसका जो यूज़र है वो उसे इस्तेमाल ना करे और वो अपने यूज़र को वो सिक्योरिटी ना दे सके जो वो चाहता है। तो आप बिल्कुल परेशान ना हों, आप WhatsApp को इस्तेमाल करें। WhatsApp कभी भी आपकी जो तस्वीर, वीडियो या कॉल्स हैं वो शेयर नहीं करेगा और किसी को भी शेयर नहीं करेगा। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।